हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज से ना बात करने वाला हूँ, मुझे टॉपिक कैसे मिलता है वीडियो बनाने के लिए, यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए मुझे टॉपिक कैसे मिलता है। मैं आपको बताऊँ आपको टॉपिक कैसे मिल सकता है। मैं यहाँ पे आपको राज की बात बताने वाला हूँ, जो आप मेरे है मेरे साथ हो रहा है, जैसे मुझे टॉपिक मिल रहा है। मैं आपको बताऊँ आपको भी टॉपिक कैसे मिल सकता है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। आप भी परेशान रहते सारा दिन, आप परेशान रहते, आपको कोई टॉपिक ही नहीं मिल पाता। ठीक, अगर आप एक न्यू क्रिएटर है तो आपको कोई टॉपिक नहीं मिल पाता। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँ, आपको टॉपिक बड़ी आसानी से मिलेगा। यहाँ पे जैसे मुझे टॉपिक मिल रहा है, वैसे आपको भी टॉपिक मिल जाएगा। इस वीडियो में आप कंप्लीट बनने में सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ, शायद यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताया होगा। जो मैं आज बताने वाला हूँ, टॉपिक आपको कैसे मिलेगा, मुझे कैसे मिलता है, ये शायद आपको कोई नहीं बताता, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में आप कंप्लीट देखिए, मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं कि अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले तक पहुंचे, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपके लाते था। यहाँ पे बात आती है टॉपिक कैसे मिलता है। देखिए मुझे टॉपिक कैसे मिल रहा है, देखिए मैं यहाँ बताऊंगी। यहाँ से आप वीडियो सारा देखिएगा, लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखिए, आप एक भी समझ नहीं पाएंगे। मुझे जैसे टॉपिक मिल रहा वैसे आपको भी टॉपिक मिल। देखिए क्या होता है, जैसे आपने किसी टॉपिक के बारे में सोच लिया, ठीक, जब आपने सोच लिया तो क्या करना, आपको वीडियो कंप्लीट कर देने, उस टॉपिक में आपको वीडियो कंप्लीट कर देनी। ठीक, जैसे आप उस टॉपिक में वीडियो कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, आपके दिमाग में यही चलेगा कि दूसरा टॉपिक कैसे, किस बारे में निकाला जाए, कैसे वीडियो दूसरे टॉपिक के लिए क्या वीडियो बनाया जाए, सारा कुछ आपके दिमाग में यही चलता रहता है। आप एक बात यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, मैं जो आपको बताऊँ। जैसे आप कभी रात में सोते हैं, ठीक, जैसे आप कभी रात में सोते तो आपके दिमाग में कभी कभी चलता है मुझे 3 बजे सुबह उठना है। आप अलार्म लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आपके दिमाग में चलता रहता है मुझे सुबह 3 बजे उठना है, तो मतलब आप सुबह 3 बजे उठ जाएंगे। ऐसा ही है टॉपिक सोचने के लिए। अगर आप में दिमाग में चलेगा सारा दिन मुझे टॉपिक सोचना है, मतलब कि जैसे एक वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया, वैसे आपने दूसरी वीडियो भी का टॉपिक आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जैसे मुझे मिलता है, मुझे कैसे मिलता है, केवल ऐसे मिलता है। क्या होता है, मैं यहाँ पे जैसे एक वीडियो कंप्लीट कर ले, उसके बाद मुझे पता नहीं दूसरे टॉपिक को, पता नहीं मैं कहाँ से एक बड़ी आसानी से मुझे मिल जाता है दूसरा टॉपिक, जो यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए मुझे दूसरा टॉपिक बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि मेरे दिमाग में सारा दिन यही चलता रहता है, आज किस बारे में वीडियो बनाया जाए, कल किस बारे में वीडियो बनाया जाए, यही सारा कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है। क्या जैसे उस जिस टॉपिक आपके दिमाग में जो टॉपिक आएगा ना, आपको तुरंत वीडियो कंप्लीट कर देनी है। ठीक, जब आप कंप्लीट कर देंगे तो दूसरा टॉपिक ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चलने लगेगा, इस टॉपिक में आप आज वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक में अभी तक मैं वीडियो नहीं बनाया, इस टॉपिक में बनाया जाए। आपको ऐसे करना है। आपने तो मैं पहले आपको ये तो बात बता दिया ना, जैसे कि आपने कभी सोचा होगा, जैसे कभी आप अलार्म लगा के नहीं सोए, ठीक, रात में आप सो गए, आपके दिमाग में है मुझे 3 बजे उठना, तो क्या आप 3 बजे उठ जाएंगे? मैं 100% गारंटी लेता हूँ, अगर आप सोच के रखेंगे मुझे 3 बजे उठना, आपके दिमाग में यही चलेगा मुझे 3 बजे उठना, तो मतलब आप 3 बजे उठ जाएंगे। ठीक, अगर आप सोच लेंगे एक वीडियो मुझे कंप्लीट कर लेनी है, दूसरी वीडियो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में टॉपिक दूसरी वीडियो का आ जाएगा। अगर आप ये नहीं सोचेंगे मुझे आज एक वीडियो कंप्लीट करनी है, उसी वीडियो के बारे में आप सारा दिन सोचेंगे, तो क्या वही वीडियो आपके दिमाग में चलती रहेगी? मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं क्या होता था पहले, सुबह उस टॉपिक को सोचता और लिख के रख लेगा, ठीक, उसी टॉपिक, जैसे उस वीडियो में कंप्लीट नहीं करूंगा ना, उसी टॉपिक के बारे में मेरे दिमाग में चलेगा। अगर आपने उस वीडियो को कंप्लीट करके रख दे, जो टॉपिक आपके दिमाग में है उस टॉपिक के बारे में आपने वीडियो कंप्लीट करके रख दिया, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका सेकंड टॉपिक, दूसरा टॉपिक जो रहेगा ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चलने लगेगा। आपके पास काम क्या है, केवल टॉपिक सोचना है ना, किस टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी है, किस टॉपिक में नहीं। 100% मैं गारंटी देता हूँ दूसरा टॉपिक आपके दिमाग में चलने लगेगा। शायद आपको यह सारा कुछ समझ में आ गया होगा, टॉपिक मुझे कैसे मिलता है, आपको भी ऐसे टॉपिक मिल सकता है। आपको यहाँ पे घबराना नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं सही ढंग से आप काम करिए, 100% मैं कहता हूँ आपको भी टॉपिक मिलेगा। जैसे आप सारा कुछ समझ में गए हो तो आपको टॉपिक कैसे मिलेगा, ऐसे आपको टॉपिक, मुझे भी ऐसे ही टॉपिक मिलता है, ना कि मैं कहीं से टॉपिक ढूंढता हूँ, यही चलता रहा। अगर आप काम करना यूट्यूब में स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक आपको टॉपिक मिलना स्टार्ट ही हो जाता है कहीं ना कहीं कुछ। जैसे आप यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं ना, आपको टॉपिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपके 500 सब्सक्राइबर हो गए, कम्युनिटी टैब कैसे इनेबल करना है, जैसे आपके 100 सब्सक्राइबर हो गए तो URL कैसे कॉपी करना है, आपके क्या दिमाग में टॉपिक आता ही रहेगा। जैसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अपना चैनल मोनेटाइज कैसे करवाना, जैसे 1000 सब्सक्राइब हो गए 4000 घंटे वॉच टाइम, तो मोनेटाइज कैसे करवाना है, ये सारे टॉपिक है यूट्यूब रिलेटेड। जो अदर कैटेगरी जैसे कोई वीडियो बना रहा है, जैसे ऑनलाइन रिलेटेड CSC रिलेटेड वीडियो, इनके लिए मैं बता दूँ, ये ऐसा करेंगे तो इनके दिमाग में ऑटोमेटिक टॉपिक आ जाएगा। यहाँ से आपके शायद सारा कुछ समझ में आ गया होगा टॉपिक कैसे मिलेगा। मुझे 100% कहता हूँ मुझे ऐसे ही टॉपिक मिलता, ना कि मैं कहीं से टॉपिक ढूंढता हूँ। मैं एक वीडियो जब कंप्लीट कर लेता दूसरी
टॉपिक के लिए मैं कहीं नहीं जाता ना कहीं ढूंढता हूँ, ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में चलने लगता है इस टॉपिक में यार वीडियो नहीं बने तो शायद इस टॉपिक में बना लूँ वीडियो, इस टॉपिक में ऐसे आपके दिमाग में भी चलने लगेगा मैं 100%। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले तक पहुँचे, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपके लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।